नमस्कार। साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग ओनामा द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी प्रशिक्षुओं का स्वागत है। छात्रों, आज बीएड प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए जिसका सब्जेक्ट है अधिगम एवं शिक्षण, लर्निंग एंड टीचिंग के अंतर्गत हम शिक्षण नीतियां एवं युक्तियों की चर्चा कर रहे थे। हमने पिछले क्लास में भी शिक्षण नीतियां के बारे में आपको बता चुके हैं और आज का हमारा टॉपिक है शिक्षण विधियां, टीचिंग मेथड। तो शिक्षण विधियां क्या है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। शिक्षण नीतियां तथा शिक्षण विधियां दोनों के अपने विशिष्ट क्षेत्र तथा अर्थ है। भ्रमवश बहुत से लोग इन्हें एक दूसरे के पर्याय शब्द मान लेते हैं। शिक्षण विधि में पाठ्य वस्तु महत्वपूर्ण होती है। जैसी पाठ्य वस्तु की प्रकृति होती है उसी प्रकार की शिक्षण विधि का चयन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, शिक्षण नीति और शिक्षण विधि दोनों के अपने विशिष्ट क्षेत्र होते हैं और दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं। शिक्षण विधि में पाठ्य वस्तु महत्वपूर्ण होती है। पाठ्य वस्तु यानी जिसको शिक्षक क्लास में पढ़ा रहे हैं। जैसी पाठ्य वस्तु की प्रकृति होती है उसी प्रकार की शिक्षण विधि का चयन किया जाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतीकरण की शैली को शिक्षण विधि कहा जाता है। पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतीकरण की शैली को शिक्षण विधि कहा जाता है। इट इज ए स्टाइल ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट इन क्लासरूम। तो पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतीकरण की शैली, शिक्षक जब क्लास में पाठ्य वस्तु कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं तो उस टॉपिक को, उस पाठ्य वस्तु को कैसे उनको प्रेजेंट करना है छात्रों के सामने कि छात्र उनकी बातों को अच्छे से समझ ले। तो सरलता पूर्वक सरल शब्दों में पाठ्य वस्तु को छात्र के सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो यानी कह रहे हैं कि पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतीकरण की शैली को ही शिक्षण विधि कहते हैं। ठीक, विधि को अंग्रेजी में मेथड शब्द का पर्याय माना गया है। तो मेथड एक लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ है मोड। मेथड का मोड से मेथड बना है। ठीक है, मोड से मेथड जो है लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है। ये लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है, लैटिन लैंग्वेज है। और ये जो है इसका अर्थ होता है मोड, मोड या वे। इसको वे भी कर सकते हैं, वे को रास्ता कहा जाता है। तो मोड या वे कहा जाता है इसको। तो अथवा माध्यम भी इसको कह सकते हैं, इसको रास्ता या माध्यम भी
कह सकते हैं, ठीक, माध्यम भी इसको कह सकते हैं। तो मेथड का मतलब मोड या वे, रास्ता या माध्यम, ठीक है। प्रोफेसर ए एन वैद्य ने विधियों का सीमांकन करते हुए लिखा है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ए एन वैद्य, प्रोफेसर सॉरी एन वैद्य है, एन वैद्य, एन वैद्य के अनुसार हियर इट मीन्स, उन्होंने बताया इंग्लिश में है, ध्यान दीजिएगा, हियर इट मीन्स मेथड ऑफ डिलीवरिंग नॉलेज एंड ट्रांसमिटिंग ऑफ साइंटिफिक टीचिंग स्किल्स बाई ए टीचर टू हिज प्यूपिल्स एंड देयर कॉम्प्रिहेंशन एंड एप्लीकेशन बाई देम इन द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग एंड लर्निंग। कह रहे हैं कि विधि का मतलब क्या होता है, इट मीन्स मेथड ऑफ डिलीवरिंग नॉलेज एंड ट्रांसमिटिंग ऑफ साइंटिफिक टीचिंग स्किल्स बाई ए टीचर ऑफ हिज पीपल्स, अपने छात्र के साइंटिफिक टीचिंग स्किल, वैज्ञानिक शिक्षण विधि, एंड दे आर कॉम्प्रिहेंशन एंड एप्लीकेशन बाई देम इन द प्रोसेस ऑफ स्टडी एंड लर्निंग। एक शिक्षक के लिए आवश्यक है कि उसे शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए ताकि वह आवश्यकता और परिस्थितियों के अनुसार किसी भी उपर्युक्त विधि का प्रयोग कर अपने शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से चला सके। शिक्षण विधियां शिक्षक का मार्गदर्शन करती है कि वह अपने छात्रों को किस प्रकार से शिक्षा प्रदान करें। शिक्षण विधियां शिक्षक का मार्गदर्शन करती है कि वह अपने छात्रों को किस प्रकार से शिक्षा प्रदान करें। और यह सत्य है कि जिस प्रकार से सही रास्ते के अभाव में एक व्यक्ति अपने निर्दिष्ट स्थान पर नहीं पहुंच सकता है, उसी प्रकार बिना उचित विधि के प्रयोग के छात्रों को सही ज्ञान नहीं दिया जा सकता है। जैसे सही रास्ते के पर चलने के लिए व्यक्ति को उस रास्ते का ज्ञान होना चाहिए, उसी प्रकार बिना उचित विधि के उपयोग के छात्रों को सही ज्ञान नहीं दिया जा सकता है। तो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी ने एक इसके संबंध में अपना मत दिया है मेथड के बारे में, ध्यान दीजिएगा, मेथड इज सिंपल द मीन्स ऑफ ब्लेंडिंग ऑफ कंपोनेंट ऑफ लिविंग सब्जेक्ट मैटर इंक्वायरी एटीट्यूड एंड लिवली इंटरेस्ट इन सच ए वे दैट इज मेक्स फॉर क्रिएटिव टीचिंग एंड डज नॉट अलाउ द डल जॉब ऑफ गेटिंग ए डिग्री टू बिकम एन एंड इन इटसेल्फ। तो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी ने इस तरह से परिभाषा दिया। तो अब हम देखेंगे छात्रों, अभी तक अब हम शिक्षण विधियां आपने देखा, टीचिंग मेथड क्या है,
इसके जस्ट पहले क्लास में हमने बताया था टीचिंग स्ट्रेटजी क्या है, तो अब हम देखेंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टीचिंग स्ट्रेटजी एंड टीचिंग मेथड्स। शिक्षण नीतियां तथा शिक्षण विधियों में क्या अंतर है ये जानना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत लोग दोनों को एक ही मान लेते हैं। तो आप देख ध्यान से सुनिए दोनों में क्या अंतर है, हम इसको स्क्रीन पर भी डाल देंगे, आप स्क्रीन पर भी देखिएगा। तो नीतियों का चयन उद्देश्यों के आधार पर किया जाता है। शिक्षण नीतियों का चयन उद्देश्यों के आधार पर किया जाता है, जबकि शिक्षण विधियों के चयन में पाठ्य वस्तु की प्रकृति पर ध्यान दिया जाता है। शिक्षण नीतियों का चयन उद्देश्य देखा जाता है, उद्देश्य को ध्यान में रख कर किया जाता है, और शिक्षण विधियां जो कंटेंट होता है, जो पाठ्य वस्तु की प्रकृति को ध्यान में रखकर किया जाता है। शिक्षण नीतियों में व्यवहारों और संबंधों का स्थान महत्वपूर्ण है, जबकि शिक्षण विधियों में पाठ्य वस्तु तथा उनका प्रस्तुतीकरण महत्वपूर्ण माना जाता है। शिक्षण नीतियां शिक्षण को विज्ञान के रूप में मानती है, जबकि शिक्षण विधियां शिक्षण को कला के रूप में मानती है। शिक्षण नीतियां नीतियों का मुख्य कार्य उपयुक्त सीखने की परिस्थितियां उत्पन्न करना है, जबकि शिक्षण विधियों का मुख्य कार्य पाठ के प्रस्तुतीकरण को अधिक प्रभावशाली बनाना होता है। शिक्षण नीतियों के मूल्यांकन का मापदंड उद्देश्यों की प्राप्ति होता है, जबकि शिक्षण विधियों के मूल्यांकन का मापदंड पाठ्य वस्तु पर अधिकार प्राप्त करना होता है, यानी कमांड ऑन कंटेंट। पाठ्य वस्तु पर अधिकार प्राप्त करना शिक्षण विधियों के द्वारा, यानी शिक्षक को विभिन्न विधियों का अगर ज्ञान है तो उसका अपने कंटेंट पर, अपने पाठ्य वस्तु पर पूरा पूरा अधिकार रहता है, और वो अच्छे से कक्षा में अपना प्रस्तुतिकरण या शिक्षण कार्य करता है। तो शिक्षण नीतियों में सूक्ष्म उपागम का अनुसरण किया जाता है, यानी माइक्रो टीचिंग का अनुसरण किया जाता है, जबकि शिक्षण विधियों में स्थूल उपागम माइक्रो जो कि लंबे टाइम का होता है, 40 से 45 मिनट का या आधे घंटे का, और सूक्ष्म शिक्षण 6 से 10 मिनट का होता है। तो शिक्षण नीतियों में सूक्ष्म शिक्षण का अनुसरण किया जाता है, सूक्ष्म उपागम का अनुसरण किया जाता है, जबकि शिक्षण विधियों में स्थूल उपागम को अपनाया जाता है, माइक्रो टीचिंग को अपनाया जाता है। और लास्ट है, शिक्षण नीतियां मॉडर्न ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी का उपहार है। यह मॉडर्न ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी का उपहार है, और शिक्षण विधियां क्लासिकल ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी की देन है। तो ये दोनों में अंतर हो गया, शिक्षण नीतियां और शिक्षण विधि, टीचिंग स्ट्रेटजी एंड टीचिंग मेथड्स। ठीक है, तो इसी पर डॉक्टर शर्मा ने इनमें अंतर, जो अंतर हमने बताया उसको स्पष्ट करते हुए लिखा है। क्या लिखा है ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर शर्मा ने बताया कि कुछ
शिक्षण विधियों को, शिक्षण नीतियों की संज्ञा दी जाती है। कुछ शिक्षण विधियों को शिक्षण नीतियों की संज्ञा भी दी जाती है, जबकि परंतु जब इन्हें शिक्षण नीति कहते हैं तब उनका लक्ष्य बदल जाता है। व्याख्यान को शिक्षण विधि मानते हैं, परंतु जब व्याख्यान को किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयोग करते हैं तब उसे शिक्षण नीति कहते हैं। और शिक्षण नीतियों में प्रविधियों की सहायता ली जाती है। शिक्षण नीतियों में शिक्षण युक्तियों, टीचिंग टैक्टिक्स की सहायता लेते हैं। टीचिंग टैक्टिक्स यानी शिक्षण युक्तियां क्या है हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। तो कह रहे हैं कि शिक्षण नीतियों में शिक्षण युक्तियों, टैक्टिक्स की सहायता लेते हैं। शिक्षण प्रविधियों का चयन पाठ्य वस्तु की प्रकृति के आधार पर करते हैं तथा शिक्षण युक्तियों का चयन अधिगम के स्वरूपों के आधार पर किया जाता है जिसमें अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। तो डॉक्टर शर्मा ने शिक्षण नीतियों, शिक्षण विधियों में भी अंतर अपने शब्दों में किया है कि कुछ शिक्षण विधियों को शिक्षण नीतियों की संज्ञा दी जाती है। शुरू में ही हमने बताया कि बहुत लोग दोनों को एक समझते हैं, लेकिन डॉक्टर शर्मा ने बताया कि कुछ को एक समझ सकते हैं परंतु जब इन्हें शिक्षण नीति कहते हैं तब उनका लक्ष्य बदल जाता है। ये तो अभी हमने देखा कि शिक्षण नीतियां, टीचिंग मेथड क्या है, ठीक है, और शिक्षण नीतियां और शिक्षण विधियों में अंतर क्या है। तो हमको उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। तो हम इस टॉपिक को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।